हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं आपको कुछ एक न्यू टेक्नोलॉजी बताऊंगा। देखिए, गर्मी बहुत है और ये है ड्राइवर सीट, आप जानते हैं, वो है स्टीयरिंग। और इसके ऊपर ये देखिए नीले कलर का एक मैंने पंखा बनाया है। और इस पंखे में क्या कुछ मैंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, सब कुछ चीज़ें मैंने जो है इसमें नई लगाई हैं, अपने हाथों से पंखा बनाया है। और इसकी मोटर किस प्रकार से मैंने फिट की है, कैसी वो मोटर है, पहले क्या काम करती थी, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये है वो पंखा। तो अब मैं बात करता हूँ कि ये मोटर कौन सी है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये मोटर है जो हमारी, ये वाइपर होते हैं हमारे शीशे के, दोनों वाइपर पे जो है ये जब बरसात आती है तो ये चलते हैं। तो मैंने उस मोटर का उपयोग यहाँ पे किया है। और ये मोटर जो है 12 वोल्ट में है, लेकिन 24 वोल्ट में भी होती है, लेकिन ये मोटर जो है 12 वोल्ट में है। और इसको मैंने जो है यहाँ पे लगाया है। तो इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे देखिए कि ये जो है ख़राब नहीं होगी जल्दी सी, और ये एक अच्छे तरीके से काम करेगी। और इसका बहुत ही अच्छा जो है उपयोग है, इसको मैं चला के भी दिखाऊंगा। तो पहले आप इसके बारे में कुछ जान लीजिए। और ये पंखड़ी जो है मैंने यहाँ पे ली है, 50 या 80 रुपए की आपको पंखड़ी मिल जाएगी। ऐसी मोटर भी आपके पास पड़ी होगी। तो ऊपर की तरफ मैंने जो यहाँ पे एक लोहे की एक पत्ती जो है यहाँ पे लगाई है, क्योंकि इससे ये डट सके। और इसको मैं कहीं पर भी घुमा सकता हूँ, देखिए इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं और ऐसे भी। तो अगर हमें पूरी गाड़ी में हवा लेनी है तो इसको इस साइड कर देंगे तो पूरी गाड़ी में हवा ले सकते हैं इससे। और वैसे भी हवा पूरी आ ही जाती है, अगर ड्राइवर सीट पर लेनी है तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कैसे कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको जो यहाँ पे मैंने एक बार वीडियो बताई थी, इसके नीचे जो भी आपकी बैटरी होती है, बैटरी में अगर ये मोटर आपकी 12 वोल्ट की है तो 12 वोल्ट में ही आपको कनेक्शन करना है। उसमें आपको एक ही दो तार यहाँ से निकालने हैं। एक तार जो है आपको बैटरी के अंदर 12 वोल्ट का एक कनेक्शन होता है, वहाँ पे आपको जो है उस क्लिप को लगा देना है 12 वोल्ट में। क्योंकि अगर आप 24 वोल्ट में इसको लगाओगे तो 10-15 मिनट तो आपको ऐसी हवा देगी कि तूफान चल जाएगा, लेकिन उसके बाद ये जो है बंद हो जाएगी, क्योंकि ख़राब हो जाएगी। ये 12 वोल्ट में है, वो 24 वोल्ट में तो ज़्यादा ये चल नहीं पाएगी। अब बात करते हैं, तो चलो इसको एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कैसा ही चलता है। तो इसका मैंने जो है यहाँ पे एक स्विच लगा रखा है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे स्विच लगा रखा है। तो स्विच से नहीं चलती क्योंकि जो अर्थिंग तार है वो अभी लग नहीं रहा है। तो अर्थिंग वायर कैसे लगाते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ। अर्थिंग को कहीं पर लगाते हैं, तो नीचे की साइड में इसको जो है अर्थिंग को लगा के दिखाता हूँ। ये जल्दी से जो है अर्थिंग नहीं मानता है, तो इसके लिए इसको लोहे कहीं पर भी लोहा टच हो जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक लोहे की चीज़ थी, ये देखिए ये लोहे की एक चीज़ है। तो ये पंखा चल उठा, तो इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ पहले, क्योंकि ये भिड़ जाएगा फिर और टूट भी सकता है। तो इस तरीके का इस पंखे को मैं थोड़ा सा और घुमा देता हूँ। तो मैंने इस पंखे को अब जो है घुमाया, अब इसको मैं जो है चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से एसी की सी हवा हमको देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।